वेलकम टू एडवांस स्कूल ऑफ मैथ एंड साइंस, एएसएमएस की ओर से आपका स्वागत करता हूं। क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 पार्ट 5 के साथ हम लोग जुड़ेंगे। चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पार्ट 5 में जो कंटेंट्स होगा, जो हमारी चर्चा का विषय होगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। तो आप अपने बुक में पाएंगे कि चैप्टर के अंत में कुछ एक्सरसाइजेस वाले पार्ट में। तो सबसे पहले इस पूरे टॉपिक में, पूरे चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? अ कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड देयर फिजिकल स्टेट्स इन मॉलिक्यूल। तो एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन जो है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और उसके फिजिकल स्टेट के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस सो दैट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन आर द सेम ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशंस मस्ट बी बैलेंस। तो किसी केमिकल इक्वेशन का बैलेंस होना जरूरी है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट के जितने एटम रिएक्टेंट के साइड में है उतना ही एटम प्रोडक्ट के साइड में भी हो। इन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेस टू गिव टू और मोर सब्सटेंसेस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर के एक सब्सटेंस बनाएंगे, जबकि डिकम्पोजिशन के रिएक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक करके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हीट रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, और जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगा उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर। अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है तो हम ये मान के चलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। दैट डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स और आयंस आर एक्सचेंज्ड इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जब हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की चर्चा करेंगे तो उसमें क्या होगा कि दो डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स या आयंस का एक्सचेंज होगा तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस प्रोड्यूस इन सॉल्युबल सॉल्ट। प्रेसिपिटेशन के रिएक्शन में जो है इन सॉल्युबल सॉल्ट बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है जो वाटर में रिजॉल्व नहीं होगा। रिएक्शंस विच इन्वॉल्व द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाय सब्सटेंसेस। रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का लॉस या गेन हो, उनको हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कैटेगरी में बांट सकते हैं। ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। यानी ऑक्सीजन का गेन होना, हाइड्रोजन का लॉस होना ऑक्सीडेशन है, जबकि ऑक्सीजन का लॉस और हाइड्रोजन का गेन जो है वो रिडक्शन है। तो रिडक्शन जो है अपोजिट प्रक्रिया है ऑक्सीडेशन। अब हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस की शुरुआत करते हैं। तो पहला जो एक्सरसाइज है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। पीबीओ और कार्बन के बीच रिएक्शन हुआ, लेड और CO2 प्रोड्यूस हुआ है। अब यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि पीबीओ कन्वर्ट हो रहा है पीबी में, यानी लेड के ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज किया है, तो पीबीओ का रिडक्शन हुआ है, तो लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, और लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड ये स्टेटमेंट गलत है। कार्बन ऑक्सीजन को लेके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, तो कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया है, कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया है, इसलिए कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस ऑक्सीडाइज, तो ये गलत है। तो आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं। तो पहला और दूसरा यानी ए और बी जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसके आंसर फर्स्ट होगा। अब क्वेश्चन टू पे आते हैं। Fe2O3 प्लस Al से Al2O3 और Fe हुआ, तो देख के ही लग रहा है कि एल्युमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस किया है।
एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फाइलिंग्स, पिक द करेक्ट आंसर। तो जब आयरन के साथ डाइल्यूट HCl का रिएक्शन करवाते हैं तो उस केस में FeCl2 के साथ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, यानी हमको हाइड्रोजन मिलेगा गैस के फॉर्म में और FeCl2 यानी आयरन का क्लोराइड मिलेगा। तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, ये इसका सही आंसर होगा। व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, यानी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं और इक्वेशन का बैलेंस होना क्यों जरूरी है। तो देखिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसको कहा जाता है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट हैं उसकी एटम की संख्या रिएक्टेंट के साइड में जितनी हो उतने प्रोडक्ट के साइड में भी हो, वो बैलेंस इक्वेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे H2+O2 से अगर आप H2O प्रोड्यूस करेंगे तो बैलेंस इक्वेशन में 2H2+O2 से O लिखेंगे। दूसरा पार्ट है कि आखिर बैलेंसिंग क्यों रिक्वायर्ड है। तो बैलेंसिंग इससे रिक्वायर्ड है कि हर एक रिएक्शन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, जिसके हिसाब से रिएक्टेंट के साइड का टोटल मास प्रोडक्ट के साइड के टोटल मास के बराबर हो, यानी रिएक्टेंट के साइड में हर एक एलिमेंट के जितने एटम हैं उतने ही एटम प्रोडक्ट की तरफ भी दिखें, क्योंकि रिएक्शन के दौरान न तो किसी एटम का लॉस होता है न ही वो क्रिएट होता है, इसलिए इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है। क्वेश्चन 5, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। ए, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। नाइट्रोजन के दो एटम रिएक्टेंट की तरफ हैं, प्रोडक्ट में फिलहाल एक एटम है, नाइट्रोजन का दो एटम प्रोडक्ट में हो तो कोएफिशिएंट NH3 का 2 होगा, तो दो हाइड्रोजन दो नाइट्रोजन हुआ और हाइड्रोजन के टोटल 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एटम होंगे, और हाइड्रोजन का 6 एटम करने के लिए रिएक्टेंट में H2 का कोएफिशिएंट 3 डालें। पार्ट बी में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर, H2S गैस का रिएक्शन आप एयर यानी O2 से करवाएंगे, प्रोडक्ट में वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड दिया हुआ है तो प्रोडक्ट के साइड में H2O और SO2 लिखेंगे। बैलेंस कीजिए, फिलहाल हाइड्रोजन का दो एटम सल्फर का एक एटम लेफ्ट में है, हाइड्रोजन का दो एटम सल्फर का एक एटम राइट में है, हाइड्रोजन सल्फर तो बराबर है दोनों तरफ, ऑक्सीजन का दो एटम लेफ्ट में है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन के टोटल 3 एटम है। तो अगर ऑक्सीजन के दो एटम लेफ्ट में है और राइट में भी अगर इवन बनाना चाहें तो H2O के अगर 2 डालेंगे तो कुल मिला के 4 ऑक्सीजन हो जाएगा राइट में, और लेफ्ट में 4 ऑक्सीजन के लिए 2 O2 करेंगे। अब ओवरऑल देखने का प्रयास करें, 4 हाइड्रोजन का एटम है राइट में, लेफ्ट में भी हाइड्रोजन के 4 एटम हो तो 2H2S लिखिए। अब 2 सल्फर हो चुका है लेफ्ट में और राइट में फिलहाल 1 ही सल्फर है तो यहाँ पे 2SO2 करेंगे, लेकिन अब आप ऑक्सीजन पे ध्यान दीजिए, राइट में कुल मिला के 2×2=4+2, 6 ऑक्सीजन के एटम है राइट में और लेफ्ट में 4 है, तो लेफ्ट में भी ऑक्सीजन के 6 एटम हो जाएं। इसका मतलब ये हो गया कि हमें 2O2 के बदले में रिप्लेस्ड करके 3O2 लिखना पड़ेगा। अब आप चेक कीजिए, 4 हाइड्रोजन लेफ्ट में, 4 हाइड्रोजन राइट में, 2 सल्फर लेफ्ट में, 2 सल्फर राइट में, 3×2 6 ऑक्सीजन लेफ्ट में, 2+4 6 ऑक्सीजन राइट में, तो अब ये इक्वेशन बैलेंस है। इसके पार्ट सी में आते हैं, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन
बेरियम क्लोराइड BaCl2 हुआ और इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं एल्यूमिनियम सल्फेट से, तो Al2SO4 थ्राइस इसका फॉर्मूला है, टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो प्रोडक्ट की तरफ AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड मिलेगा और साथ ही साथ बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनेगा। अब बैलेंस कर लें, सल्फेट का 3 आयन है लेफ्ट में, राइट में फिलहाल एक ही आयन दिख रहा है, इसलिए राइट में बेरियम सल्फेट का कॉफिशियंट 3 बनाए। जैसे ही 3 कॉफिशियंट बनाया गया तो 3 बेरियम राइट में है और लेफ्ट में एक ही है, तो इसका कॉफिशियंट 3 बनाएंगे। अब देखिए कुल मिला के 2 एल्युमिनियम है और 3 2 6 6 क्लोरीन के एटम है। यहाँ 2 एल्युमिनियम करने के लिए आप बाहर AlCl3K2 लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लोरीन के 6 एटम हो जाएंगे, तो ये बैलेंस हो गया। और लास्ट पार्ट जो डी का है, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर, पोटेशियम का सिंबॉल के, इसका रिएक्शन करवाएंगे वाटर से और प्रोडक्ट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला KOH है और हाइड्रोजन गैस के लिए आप H2 लिख रहे हैं। अब हाइड्रोजन का 2 एटम है रिएक्टेंट की तरफ, टोटल 2 और 1 3 एटम है प्रोडक्ट की तरफ, तो ये तो H2 का फॉर्म है, KOH का कॉफिशियंट 2 बना दीजिए, तो हाइड्रोजन के टोटल एटम 2 और 2 4 प्रोडक्ट में हो जाएंगे और रिएक्टेंट की तरफ भी चार्ज 4 हो जाए टोटल हाइड्रोजन के एटम, तो आप 2H2O करेंगे। अब देखिए 4 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ दिख रहा है 2 ऑक्सीजन दिख रहा है, लेकिन पोटेशियम के 2 एटम है प्रोडक्ट की तरफ, तो 2K, तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हुआ। द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, इन केमिकल इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है, नाइट्रिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम नाइट्रेट और H2O। अब यहाँ बैलेंस करते समय नाइट्रेट के 2 यूनिट हैं कैल्शियम नाइट्रेट में, तो इसका कॉफिशियंट 2HNO3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 2 नाइट्रेट हो गया, 1 कैल्शियम हो गया, 2OH और 2H यानी 2H2O के साथ ये इक्वेशन बैलेंस होगा। पार्ट बी को अगर देखें तो NaOH H2SO4 Na2SO4 और H2O, Na2 के लिए 2NaOH लेंगे, 1 सल्फेट दोनों तरफ है, 2OH और 2H मिलकर के 2H2O बनाएगा, तो ये इसका बैलेंस इक्वेशन है। NaCl AgNO3 AgCl NaNO3, ये रिएक्शन जो है ऑलरेडी बैलेंस है, हर एक एलिमेंट के एटम दोनों तरफ बराबर, 1 सोडियम 1 सिल्वर 1 क्लोरीन 1 नाइट्रेट यूनिट 1 नाइट्रेट यूनिट, राइट में भी सोडियम का 1 एटम, एजी और सीएल का 1 एक एटम राइट में, ये ऑलरेडी बैलेंस है। BaCl2 H2SO4 से BaSO4 बनाएंगे, बेरियम और सल्फेट का 1 यूनिट लेफ्ट में है 1 राइट में है, लेकिन 2 क्लोरीन और 2 एच को एपरेट करने के लिए 2HCl लिखना होगा, तो ये इसका बैलेंस इक्वेशन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे हैं, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज गिविंग कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड को आप कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट कर रहे हैं और प्रोडक्ट में कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है एलॉन्ग विथ वाटर, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। ओवरऑल अगर इस इक्वेशन पे ध्यान दें, कैल्शियम का 1 एटम लेफ्ट में है 1 राइट में है, CO2 में 1 कार्बन है, यहाँ CO3 में 1 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, तो H2O में 2 हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन 2 2 2 यहाँ और 2 यहाँ 4 एटम, यहाँ भी ऑक्सीजन के 3 और 1 4 एटम है, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। सेकेंड पार्ट में जब जिंक को सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करते हैं तो प्रोडक्ट में जिंक नाइट्रेट और सिल्वर प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे नाइट्रेट का 2 यूनिट प्रोडक्ट में है, तो 2AgNO3 करेंगे, 1 जिंक का एटम दोनों तरफ है, तो जिंक और नाइट्रेट के यूनिट बैलेंस हो गए और सिल्वर के 2 एटम लेफ्ट में है, तो 2Ag करके इसे आप बैलेंस करेंगे। अगला देखिए एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, तो एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड
प्रोडक्ट में एल सी एल थ्री और कॉपर, तो चूंकि ये हीट एंड ट्रायल मेथड है तो देखिए दो क्लोरीन लेफ्ट में तीन जो है राइट में, तो क्लोरीन जहां दो है लेफ्ट में इसको 30 से मल्टीप्लाई करके 6 कर देंगे और राइट वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 करेंगे। ऐसा करने पे दो एल्युमिनियम हो गया तो 2Al हो जाएगा और 3 कॉपर है लेफ्ट में तो राइट में कॉफिशियंट 3 डालेंगे, तो ये इसका बैलेंस इक्वेशन है। और पार्ट डी में बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट के बीच में जब रिएक्शन होगा तो बेरियम का सल्फेट और पोटेशियम का क्लोराइड बनेगा। अब देखिए सल्फेट का यूनिट दोनों तरफ एक एक है, एक बेरियम लेफ्ट में एक राइट में, लेकिन दो क्लोरीन और दो पोटेशियम है इसलिए राइट में 2KCl करके इसको बैलेंस किया जाएगा। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, बेरियम आयोडाइड Ba2, पोटेशियम आयोडाइड का हो गया Ki और बेरियम ब्रोमाइड का हो गया BaBr2। अब इसको बैलेंस करके देखिए तो ये रिएक्शन में आयोडीन के दो एटम हैं लेफ्ट में तो 2Ki करेंगे, 2Ki में दो पोटेशियम और दो आयोडीन है तो यहाँ पे लेफ्ट में 2KBr करेंगे और यहाँ दो ब्रोमीन है और BaBr2 में भी दो ब्रोमीन है, तो ये इक्वेशन पार्ट ए का बैलेंस हो गया। और जब जिंक कार्बोनेट को डिकम्पोजिशन होता है तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना तो देखेंगे कि रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। राइट द टाइप ऑफ बैलेंस इक्वेशन, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन से HCl करेंगे तो ये इस तरह से बैलेंस होगा। और फाइनली पार्ट डी में जो है मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन है, मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है तो दो HCl करेंगे तो 2Cl और 2H बैलेंस हो जाएंगे, तो ये बैलेंस इक्वेशन है। आपको टाइप ऑफ रिएक्शन भी करने थे तो पहले रिएक्शन को अगर कंसिडर कीजिए तो फर्स्ट रिएक्शन में ये दो आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में, तो ये एग्जांपल हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। दूसरे में जिंक कार्बोनेट ब्रेक डाउन कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है और जिंक ऑक्साइड और CO2 के फॉर्म में दो प्रोडक्ट दे रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सी में H2 और Cl2 दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट HCl बना रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और लास्ट में देखिए मैग्नीशियम ने HCl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है इसलिए ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। तो व्हाई डज वन मीन बाय व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन गिव एग्जांपल। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं। जैसे एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन होता है सॉल्ट और वाटर बनता है, इस केस में हीट रिलीज होती है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन करके जब मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन रहा था, इस केस में भी हीट रिलीज होती है, तो ये एक्सोथर्मिक है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो है जिसमें कि हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हीट को एब्जॉर्ब करके कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में डिकम्पोज कर जाएगा। तो ये जो है एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। इसके अलावा न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन, एक्सप्लोजन, ये सब हीट रिक्वायर्ड करता है, इसलिए ये सब एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाई इज रेस्पिरेशन इज कंसिडर एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम लोगों ने थ्योरेटिकली पढ़ा था कि जो हम लोग
फूड इनटेक करते हैं, जब उनका डाइजेशन होता है उसके कंपोनेंट डिग्रेड करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट डिग्रेड करके पहले ग्लूकोज बनाता है और ग्लूकोज ऑक्सीजन से कंबाइन करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्रोड्यूस होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, यानी ग्लूकोज C6H12O6। ये कंबाइन किया ऑक्सीजन से प्रोडक्ट में CO2 और H2O के साथ हीट जो है रिलीज होती है। ये जो इक्वेशन है यही रेस्पिरेशन का केमिकल इक्वेशन है और हीट रिलीज होने के कारण एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो एक एग्जांपल लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 प्रोड्यूस हुआ, तो एक कंपाउंड ब्रेक करके दो कंपोनेंट में आ रहा है, तो ये तो डिकम्पोजिशन। लेकिन अगर हम इसके रिवर्स रिएक्शन को कंसिडर करें तो दो कंपाउंड मिलकर के एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन है। इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। राइट वन इक्वेशन ईच इन विच राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आप रिकॉल कीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट जब टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 देता है तो आपको हीट प्रोवाइड करना है। सिल्वर का क्लोराइड जब डिकम्पोज करके Ag और Cl2 प्रोड्यूस करता है, इस केस में सनलाइट की आवश्यकता थी, और वाटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके ब्रेक करके जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाए थे तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी मिला था। तो ये सब जो है एग्जांपल है, क्वेश्चन हमने बैलेंस फॉर्म में सबको नहीं लिखा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस करता है, तो आपको ज्यादा रिएक्टिव मेटल का सॉल्ट मिलेगा, कम रिएक्टिव मेटल बाहर हो जाएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टेंट्स में एटम या आयन के पेयर जो हैं वो रिप्लेस्ड होते हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट और NaCl के बीच जब रिएक्शन होगा तो सिल्वर नाइट्रेट NaCl के Cl वाले एनायन के साथ मिलकर के AgCl में कन्वर्ट हो जाएगा और सोडियम के साथ नाइट्रेट आयन जुड़ेगा, तो ये आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, कॉपर से ट्रीट किए, कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो डिस्प्लेसमेंट के बाद कॉपर नाइट्रेट का आपको सॉल्ट मिलेगा, सिल्वर बाहर निकल जाएगा। तो जब इसको आप बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करते समय देखिए, नाइट्रेट का दो यूनिट प्रोडक्ट में है तो दो यूनिट लाने के लिए 2AgNO3 करेंगे, एक कॉपर दोनों तरफ है, दो सिल्वर के एटम के लिए इसको इस तरह से बैलेंस करेंगे। What do you mean by a precipitation reaction? Explain by giving example. Precipitation reaction उस तरह के reaction को कहते हैं जिसमें product का कोई part ऐसा है, यानी मान लीजिए reaction में एक से ज्यादा product बने, तो कोई ऐसा product है जो water में insoluble है, और जो insoluble product होता है, insoluble product in water is called as precipitate। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लें, AgNO3 का ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को AQ से दिखाते हैं, और इसको सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन NaCl से ट्रीट कीजिए, और इन दोनों के बीच जब रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट में ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा, तो सिल्वर जो है क्लोराइड आयन के साथ मिलकर के AgCl का
व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, तो प्रेसिपिटेट को हम लोग एस यानी सॉलिड से दिखाते हैं, और इसके साथ सोडियम नाइट्रेट जो है इसका सॉल्यूशन बनेगा। ठीक इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर हम लोग साइट करें तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन को जब NaOH के सॉल्यूशन से ट्रीट करेंगे तो प्रोडक्ट के पार्ट में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा, जिसके में वाटर में सॉल्युबिलिटी जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बहुत ही कम है, और साथ ही साथ NaCl सॉल्यूशन में रहेगा। बैलेंस कीजिए तो 2NaOH होगा, क्योंकि दोनों तरफ अब 2OH हो जाएंगे, और जैसे ही आपने 2Na लिखा, 2NaOH लिखा लेफ्ट में, तो राइट में 2NaCl लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को भी एग्जांपल समझा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद टू एग्जांपल। इसको इस तरह से देखिए, H2 और O2 इनके कॉम्बिनेशन से H2O बना, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन करके ऑक्सीडाइज कर गया। जिंक और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाएंगे तो जिंक का ऑक्साइड बना, तो यहां पे जिंक ऑक्सीडाइज किया, इसने ऑक्सीजन को लूज किया। और वही अगर रिडक्शन को बताना है तो जब हम मर्क्यूरी के ऑक्साइड को हीट करेंगे तो आफ्टर हीटिंग ये ब्रेक कर जाता है HG और O2 में, और देखिए HGO से ऑक्सीजन हट गया है, इसका मतलब ये रिएक्शन जो है बताता है कि HGO ऑक्सीजन लूज करके रिड्यूस कर गया। और जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो आपको कॉपर और H2O मिलता है, कॉपर ऑक्साइड जब कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है तो इसने क्या किया है, ऑक्सीजन को लूज किया है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो गया। अ शाइनी ब्राउन मेटल एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट एक्स। तो ये जो ब्राउनी मेटल है कॉपर है, एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म, इसमें जो कॉपर को एयर में हीट करके जब कॉपर ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है तो ये कॉपर ऑक्साइड जो है ये ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट है। व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल, तो जब आप आयरन के आर्टिकल पे पेंट कर देंगे उसका एयर मॉइस्चर से एक्सपोजर नहीं होगा, यानी उस पर रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, कोरोशन को अवॉइड करने के लिए हम उस पर पेंट अप्लाई करते हैं। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लस्ड विद नाइट्रोजन वाई, तो ऑक्सीडाइज्ड होकर के ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड्स जो हैं वो रेंसिड हो जाते हैं, उनमें फॉल स्मेल डेवलप होता है, वो खाने लायक नहीं रहते हैं, लेकिन जब उसको नाइट्रोजन से प्लस किया जाता है तो वैसे केस में ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है, ऑक्सीडेशन होने से वो बच जाता है और रेंसिड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस का आखिरी सवाल है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ वन एग्जाम्पल ईच, कोरोशन और दूसरा पार्ट है रेंसिडिटी। कोरोशन, अगर कोई मेटल एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो वो ऑक्सीडाइज्ड होकर के अनडिजायरेबल प्रोडक्ट दे, ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे काम का नहीं है और जो धीरे धीरे मेटल को कंज्यूम करने का काम करता है। तो जो रिलेटेड प्रक्रिया है उसे हम लोग कोरोशन कहते हैं, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आप देखेंगे कि आयरन का जो सैंपल है जो एयर और मॉइस्चर के संपर्क में है, धीरे धीरे उस पर ब्राउनिश कोटिंग आ जाती है और वही रस्ट है, और रस्ट का केमिकल फॉर्मूला जो है हाइड्रेटेड फेरिक
ऑक्साइड है Fe2O3.xs2। दिस इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्रस्ट। दूसरा पार्ट देखिए रेंसिडिटी, जिसे हम लोग हिंदी में बासीता बासीपन कह सकते हैं। तो हम लोग अपने डेली लाइफ के ऑब्जर्वेशन में पाते हैं कि फैट और ऑयली जो फूड आइटम्स हैं, अगर उन्हें एयर में एक्सपोज कर दिया जाता है, लाइट के प्रेजेंस में रखते हैं, टेम्परेचर अगर अधिक है तो उसमें दुर्गंध आने लगती है, उनका टेस्ट जो है खराब हो जाता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और एग्जाम्पल में देखें तो नेक्स्ट स्लाइड पे ये देखिए सैंडविच का डायग्राम है और इसके ऊपरी हिस्से को देखिए, ये खराब हो चुका है, यही रेंसिडिटी है। और रेंसिडिटी से अगर बचना है तो लो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, यानी फूड आइटम को लोअर टेम्परेचर में रखेंगे, जैसे फ्रिज में, नाइट्रोजन या हीलियम जैसे गैस के संपर्क में उसे रखेंगे जो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को रोक करके रेंसिडिटी से प्रिजर्व करते हैं फूड आइटम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग ASMS।